तो नारे लग रहे हैं मल्लिका नड्डा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो तो आगे बढ़ेगी लेकिन हम भी चुनावी खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में टोपियों की अपनी अहमियत होती है, कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी टोपी है। अब की बार हिमाचल की जनता कांग्रेस की टोपी उतारकर बीजेपी की टोपी पहनेगी या फिर सत्ताधारी टोपी का रंग बरकरार रहेगा, किस नेता पर उसे भरोसा होगा कि वो चुनाव जीतकर उन्हें टोपी नहीं पहना देगा, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच टोपी की सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस अपनी टोपी बरकरार रखने की जुगत में है तो बीजेपी 5 साल बाद फिर से सत्ता के सिर पर अपनी टोपी का रंग देखना चाहती है। कहते हैं चुनावी मौसम में जनता के सिर पर टोपियों के रंग ही सरकार तय करते हैं। देखने में आया है कि जब जब हिमाचल में जिसकी सरकार आई है उसकी ही टोपी ज्यादा बिकी है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन सी टोपी बिकी? हरी टोपी बिकी। और जब बीजेपी की सरकार आती है? तो मैरून कलर। अब ये देखिए, और आप देखिए हिमाचल की राजनीति का दिलचस्प पहलू, ये दुकान है और इस दुकान में हरी टोपियों की तादाद आप देखिए, और लाल टोपी एक टोपी वहां पर लाल टोपी दिख रही है सिर्फ एक। क्यों? तो नेता कोई भी टोपी पहने, वोटर ध्यान रखे कि जो टोपी पहनाने वाला नेता हो उसको मत चुनिएगा, ध्यान से सोच समझ कर वोट दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।